सा गाना गा रही हो बेटा? रात को 1:10 में कौन सा गाना? सिंगर बनना है तो कल बन जाना, अभी बनना ही है सिंगर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल pooja.asu17। तो मैं उठ गई, उठ के फ़ोन में चार्ज नहीं था, चार्जर ले ली फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए। मिट्ठू लोग यहाँ पर है और दूसरी तरफ आरवी सो रही है। देखिए बेड का क्या हाल करके रात को पूरा, उसके बाद अभी सो रही है वो, मिट्ठू लोग वहाँ पर है। तो यहाँ आरवी उठ गई है और आरवी कर रही है बदमाशी। करो मालिश हो गया है, कपड़ा चेंज कर दिए हैं। अब देखिए कैसे बदमाशी कर रही है, क्योंकि उसका खाना रेडी है इसलिए खाने के लिए। और उधर मिट्ठू भी इसका खाना खाने के लिए पूरा एकदम जोर शोर लगा रहा है कि हमको उठा लो, पर उसको नहीं उठाएंगे, अभी बाद में खिलाएंगे, पहले आरवी को। तो यहाँ पर रूम क्लीन हो गया, बेड क्लीन हो गया, आरवी का मालिश हो गया, आरवी खाना खा ली। अब आरवी लग रहा है पॉटी कर रही है, ऐसा फील हो रहा है, फील हो रहा मतलब वो कर रही है। अब देखते को यहाँ पर वॉकर में बैठा दिए हम, यहाँ पर मिट्ठू का घैला वो तोड़ दिए, उसको लगाएंगे। यहाँ पे ये लोग भी बैठा हुआ है, चाय बन रहा है, चाय पियेंगे। अब मिट्ठू बोल रहा है आरवी यहाँ, तो यहाँ हम खा रहे चाय बिस्कुट। आरवी चल रही, उसके डैडा लेकर उसको छत पे चल गया। पानी गर्म हो रहा है, अभी नहाएंगे, चाय पी के अभी चाय बिस्किट खा लिया। देखिए अभी खा ही रहा है। दूसरी तरफ आरवी के डैडा आरवी को छत पे लेके घूम रहे, दोनों बाप बेटी बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं और मुझे रिकॉर्डिंग भेजे। और मैं मिट्ठू लगा घैला लग गया है, अभी सोच रहे लोग का पिंजरा थोड़ा धो दे, रोज धोते थे, आज सोच रहे ना धोए, फिर सोच रहे धो ही देते हैं तो अभी धो देंगे। ये लोग अभी नहीं नहाएगा, बच्चा मेरा, ठंडा का मौसम है, ज़्यादा नहलाना सही नहीं है। दूसरी तरफ हम पिंजरा जब धोने के लिए गए तो वॉशरूम में मिट्ठू लोग भी रख दिए। ये लोग देखिए ठंड में भी क्या, जैसे इंसान को नहाने के मन करता है, ये लोग भी नहा रहे मजे से। मैं चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली, दोनों देखिए बिंदास है। मिट्ठू लोग को हम फिर रूम में रख कर उसके बाद गए इधर, गर्म पानी निकाल के कपड़ा भिंगो दिए गर्म पानी में, और किचन उचन साफ हो गया था, फिर उस पानी में और ऐड कर दिए ताकि पानी गर्म हो जाए और आशु और हम लोग दोनों मिलके अच्छे से नहा ले। और फिर मैं मोटर चालू कर दी क्योंकि ऊपर पानी ख़त्म हो गया। मैं छत पर जा गई और सोची कि पानी एक्स्ट्रा गिरने लगता है, इसलिए मैं छत पर ही रुक गई। फिर मैं सोची कि चलो छत पे जो नल है उस नल से थोड़ा पानी लेकर इस सारे पौधों में पानी दे दी। फिर वहाँ छत से सारा कपड़ा उठाकर मैं देखी टंकी में पानी भर गया है। मैं फटाफट नीचे आई और नीचे आकर जल्दी से सोची कि एक्स्ट्रा पानी ना गिरे, इसलिए मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद मैं नहाने चल जाती हूँ। नहाने के बाद फटाफट मुझे ठंड लग रही थी और मैं आरवी को लेकर छत पे बैठ गई और उसके पाँव में देखो मैंने गार्ड लगा दिया ताकि वो घुटने के बल खेले तो उसको घुटना में पेन ना हो और ज़्यादा घुटना काला भी ना हो। धूप सेक रहे हैं जल्दी जल्दी हेयर सूख जाए, उसके बाद आंसू नहा ले, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। आरवी यहाँ पे खेलू खेलू कर रही है आरवी। तो यहाँ छत पे हम लाडो रानी को बैठा दिए थे और ऐसे तो वो घुटनों के बल जानती थी चलना, लेकिन इतना स्पीडली अब तो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ दौड़ के आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहला उसका घुटनों के बल चलना था तो मैं सूट कर ली। तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं अपने सासू माँ का घर जाने का, यहाँ कपड़ा पसार लिया, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे लंच करने। लंच करने में काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पे आरवी खेल रही है, तो आलू गोभी का सब्जी चावल है वो हम लोग खाने जा रहे हैं। मिट्ठू को भी खिलाएंगे, आरवी को भी। आरवी ये बेटा क्या कर रही है उंगली से? हाँ डोगी भी खा लिया, खा के वो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबको खाना खा लिए थे, अब आरवी के डैडा आरवी को संभालेंगे और हम चले छत पे रील्स बनाने। छत पे मैं आ गई हूँ रेडी होकर रील्स बनाने के लिए, तो पता चला कि बंदर आया। मुझे बंदर से बहुत डर लगता है क्योंकि बंदर मुझे पहले भी काट चुका है, जो मेरे पाँव में अभी तक निशान है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, वो देखिए छत पर से सारा कपड़ा सजा कर आई, विंडो वगैरह बंद करके आई
और ये सारा कपड़ा पड़ा हुआ है। तब तक यहाँ पता चला कि आरवी सुसु करके सारा कपड़ा भींगा ली है, तो हम सोचे कि चलो इसी बहाने इसका मालिश कर देते हैं, क्योंकि दो बार मालिश बड़ी मुश्किल से होता है मेरा बच्चा का, तो सोचे कि चलो क्यों ना मालिश कर देते हैं। तो अभी इसका मालिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इधर कार्टून चल रहा है जिसका आवाज़ आ रहा है, मिठू लोग वहाँ पर है। तो आरवी का मालिश करते ही वो सो गई बिंदास, उसको हम सॉक्स पहना दिए, बेड उड क्लियर कर दिए, सारा कपड़ा सजा दिए, और मैडम यहाँ पे सोते हुए भी मुझे इसको प्यार करने का मन करता है, और उधर मिठू लोग भी सोया हुआ शाम के टाइम। तो यही वो डॉगी है छोटंग का, वो बड़का, पहले उसको बड़ा किए उसके बाद इसको बड़ा किए। अभी ये लोग खाना खाने आया, इसको दो गो रोटी दिए, डेढ़ गो खाया, आधा छोड़ दिया, अब वो दो ठो खाएगा, बाकी बाहर और भी छोटा छोटा। मेरी डॉल उठ गई है, देखो तो यहाँ पे डॉल रानी उठ गई है। अरे यहाँ खाना खा ली है, थोड़ा सा छोड़ दी। तो गाइज ये लोग खा लिया है, सबको खिला दिया, हम गेट धो के बंद कर दिए हैं। अभी सिर्फ हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, आज फाइनल है, आज पता चल जाएगा कि विनर कौन है। मैं तो चाहती हूँ अभिषेक जीते, और आप लोग क्या चाहते हैं, कौन विनर होना चाहिए? 9:30 बजे से सो रही है देखिए, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जगाएगी मुझे। अभी हम इसको प्यार कर करके उठा रहे हैं ताकि उठे 12 बजे भी। हम लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, और आरवी को देखिए क्या कर रही है, एक डॉल में वो पीपी बजने वाला है उसको निकालने का कोशिश कर रही है, पूरा एंजॉय कर रही है उसके साथ। ए माँ अभिषेक सोचे थे मुनव्वर जीत गया है, वाह रनर अप अभिषेक हुआ। बिग बॉस देखने के बाद बिग बॉस ही खत्म हुआ 12:30 बजे, अब ये लड़के को खेलते खेलते 1 बज गया, अब मैं क्या करूँ, सुबह कैसे उठूँ, बस यही सोच रही थी। रोज का इसका ड्रामा है, मैं क्या करूँ, मैं रोने का नाटक कर रही थी कि आरवी प्लीज़ मैं क्या करूँ, तुम सो जा हे भगवान, रोज का परेशान करते। ऊपर देखिए बेड का सारा कपड़ा निकाल के नीचे गिरा दिए, हम लोग रोज ऐसे ही इसी हालत में सोते हैं। अरवी अरवी अरे यार रहमान कल बन जाना, लता मंगेशकर बोरिए नहीं, हम आज ही बनेंगे कल बन जाना, मेरा बेटी बहुत थक गई है। कॉफी लाए बेटा, कॉफी लाए, सुना आ बेटा कॉफी लाए बेटा, नाक तो चिपटा है पेट का हाल। रोज हम लोग इस कचड़े में सोते हैं। अरे ये मैडम देखिए तकिया पे चढ़ गई है, और क्या कर रही है, अभी बाहर आ रहा है, अभी आ रहा है, पागल गाड़ी आ रहा है, क्या बोलते उसको। आरवी के चक्कर में हम लोग खाना पहले ही खा लिया, रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, तो बहुत सारा सीन मतलब रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन ऐड नहीं कर सकती क्योंकि लंबा चल जाएगा ब्लॉग, तो मैं छोड़ दी। लेकिन आरवी को डांट के फटकार के प्यार करके सुलाते सुलाते काफ़ी टाइम लग गया, 2:30 बज गया उसको सोते सोते, और यहाँ पर देखे फाइनली इसको सुलाकर उसके डैडा भी सो गए, अब मैं सोऊंगी। तो जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।